तो सर रिसेंटली अप्थ्रा सी स्पोर्ट्स के ग्रैंड फाइनल डे 3 रंगभूमि के टूर्नामेंट में हमको लाइव सवितार बैन होते हुए दिखते हैं, आपको लाइव स्ट्रीम में देखेंगे और साथ में उन्होंने इंस्टा स्टोरी डाल के भी दिखाया कि वो किस तरह बैन हो गए लाइव। तो क्या सच में सवितार हैक यूज कर रहे थे? सो आप लाइव क्लिप देख सकते हो जिसमें सवितार बैन होते हैं लाइव स्ट्रीम में, हमें देखने को मिल रहा है। बट क्या ये जोन के अंदर फाइट हो रही है? एक बार जरूर मैं चलना चाहूंगा एक बार कैमिन के पास भी, तो चलते हैं सीधा गाइस कैमिन के पास। एंड मेरे ख्याल से जो भी फाइट्स करंटली अभी देखने को विटनेस करने को मिल रही है वो काफी एक लॉन्ग और एक अभी शायद ही फिनिश ऑफ भी निकाला गया है, शायद रोटेशन दे रहा था उनका, बगी से पीछा करा जाता है। एंड जब नंबर्स आपके पास रहते हैं ना तब शायद आप सवितार का लाइव बैन देख के पब्लिक बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी, सबको ये लग रहा था कि यार अब तो T1 में हैकर्स आ रहे हैं, ग्रैंड फाइनल्स में हैकर आ रहे हैं, टूर्नामेंट में हैकर आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हेट देने लग गई थी सवितार को उनके डीएम्स में, उनको मैसेजेस में, और कहीं ना कहीं एंड सवितार भी करने लग गई थी। लेकिन इसी पे जस्टिफिकेशन दिया सवितार ने, इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है कि कहीं ना कहीं ये बैन परमानेंट नहीं है, 10 साल का बैन नहीं है, जस्ट अ वन डे बैन है, वो भी बैन उनका नेटवर्क प्रोटेक्शन के कारण आया, नेटवर्क चेंज के कारण आया है। तो ये बैन बहुत से अननेसेसरी लोगों को मिल रहा है जिसकी वजह से यार बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना अगर उन्होंने सही में हैक किया होता सवितार ने तो यार वो इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के सबको क्यों बोलता कि यार मेरे को अननेसेसरी बैन मिला है, और कहीं ना कहीं उन्हें प्रूफ भी दे दिया कि यार वो बैन यूज नहीं कर रहा, उन्हें क्लिप भी दिखाया है। तो आपको क्या लगता है गाइस कि वो सही में हैक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या आपको भी ऐसे अननेसेसरी बैन्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? क्योंकि तो हमको पता है BGMI वाले हैकर्स को तो बैन करते नहीं, इवन नॉर्मल प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको बैन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें।